क्वेश्चन नंबर बताओ 21 एक्सरसाइज पुरानी बुक की 9.3 और नई बुक की 8.2। ओके देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 फाइंड फोर नंबर फॉर्मिंग ए जीपी, चार नंबर फाइंड करने आपको जो जीपी बना रहे हैं, ठीक है। इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9, थर्ड टर्म ग्रेटर है, थर्ड टर्म क्या है बच्चों ग्रेटर है, ठीक है। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9, थर्ड टर्म फर्स्ट से बड़ी है, कितनी बड़ी है 9 बड़ी है, तो ए 3 माइनस ए 1 क्या आएगा 9, ठीक है। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। अच्छा और क्या दिया हुआ है, द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन बाय फोर्थ, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड फॉर नंबर फॉर्मिंग है जीपी, आपको जीपी फाइंड करनी है। देखो बच्चों जीपी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए एंड आर, ठीक है। ए थ्री ये बताओ, ए थ्री को क्या लिख सकते हैं ए आर स्क्वेयर, ए वन को क्या लिख सकते हैं ए, दिस इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज यहां से ए इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है समझ आया। ये ए थ्री को लिखा ए आर स्क्वेयर, ए वन को एज इट इज ए ही रखा, दिस इज इक्वल टू 9, फिर यहां से ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आर स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई 1 बन गई। अब सेकंड को देखो क्या दिया हुआ है, ए टू, ए टू क्या होता है बच्चों ए आर स्क्वेयर, सॉरी ए आर स्क्वेयर नहीं, ए टू क्या होता है ए आर, ए टू क्या होता है ए आर माइनस ए फोर, ए फोर ए आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 18, तो यहां से क्या निकला कॉमन, देखो बच्चों ए इंटू 1 माइनस आर क्यूब, ए आर भी कॉमन निकलेगा ना, आर भी कॉमन निकालो क्या बचा दिस इज इक्वल टू 18, ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई 2, ठीक है बच्चों। डिवाइडिंग 1 बाय 2, 1 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो ए इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 9 बाय 18, क्या है ये 9 बाय 18 के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा यहां से ए से ए कट गया, क्या बचा आर स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन, नीचे से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आर स्क्वेयर माइनस 1, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 1 बाय 2, ठीक है बच्चों। इसको इससे कट कर दें, हाँ माइनस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो आर क्या आ गया यहां से आर इज इक्वल टू माइनस 2, आर इज इक्वल टू माइनस 2, आर माइनस 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। क्या करेंगे, क्या फाइंड करना है, जीपी फाइंड करना है, तो हमें आर के साथ साथ ए भी चाहिए, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो आर की वैल्यू बाय 1, इक्वेशन 1 से क्या आएगा हमारे पास, देखो जरा ए इंटू आर स्क्वेयर की वैल्यू बताओ माइनस 2 है ना, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया इक्वल टू 9, तो ए इंटू 3 इज इक्वल टू 9, और यहां से ए इज इक्वल टू क्या आ गया 3 के इक्वल आ गया, ए 3 के इक्वल आ गया। अब क्या फाइंड करना है, आर आ गया ए आ गया, जीपी क्या होगी भाई ए ए आर ए आर स्क्वेयर, ऐसे ए क्या है 3, ए इंटू आर क्या हो जाएगा माइनस 6, ए आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा 2 स्क्वेयर 4 3 जा 12 एंड सो ऑन, ये आपकी जीपी बनेगी। करो आंसर चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, पीएच क्यूएथ आरएथ सम ऑफ जीपी आर एबीसी,
पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ जीपीआर ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 22 है ना ये। पीएथ टर्म क्या दी है जीपी की, बोलो ए। क्यूएथ टर्म क्या दी है, बी। आरएथ टर्म क्या दी है, सी। पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ जीपीआर ए बी सी। पीएच टर्म क्या है, बोलो ए आर टू द पी माइनस वन। ए क्या लिखे भाई, ए आर टू द पावर पी माइनस वन, दिस इज इक्वल टू। अच्छा अब इसको क्वेश्चन में भी पहले से ये है, तो फर्स्ट टर्म को ए मत लो और कॉमन रेशियो को भी आर मत लो, कॉमन रेशियो को भी कैपिटल आर ले लो, ए इंटू आर टू द पावर पी माइनस वन, दिस इज इक्वल टू ए। ठीक है, क्यू एच टर्म किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। क्यू एच टर्म किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन, दिस इज इक्वल टू बी। एंड और क्या आएगा, ए आर टू द पावर, बोलो आर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू सी। ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, बताओ जरा। ए टू द पावर, ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू। देखो जरा इसको वन के इक्वल प्रूव करना है, कैसे करोगे सोचो। ए टू द पावर क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों बताओ, ए की वैल्यू क्या है, ए आर टू द पावर पी माइनस वन, और इसकी वैल्यू क्या है क्यू माइनस आर। बी क्या है बताओ, बी क्या है, ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन, दिस इज, इसकी पावर कितनी है भाई, आर माइनस पी। ठीक है, सी क्या है, ए आर टू द पावर आर माइनस वन, इसकी पावर कितनी है पी माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, ए की पावर, ए की पावर क्यू माइनस आर, आर की पावर क्या होगी बच्चों पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अच्छा इंटू ए टू द पावर आर माइनस पी, आर टू द पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और फिर आगे ए टू द पावर पी माइनस क्यू इंटू आर टू द पावर आर माइनस वन, कुछ तो गलत किया मैंने, आर टू द पावर आर, इसकी पावर के ऊपर पावर भी तो है, तो क्या हो जाएगी इंटू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, समझ आया। अब देखो हर जगह से ए की पावर देखो क्या है, यहां पर क्या है ए टू द पावर क्यू माइनस आर, यहां पर ए टू द पावर क्या है आर माइनस पी, और ए टू द पावर पी माइनस क्यू, और ये सब मल्टीप्लाई में है, तो बेस अगर सेम और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है एड हो जाती है, तो ए टू द पावर क्या हो जाएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। आर टू द पावर, अच्छा यहां से बताओ क्या आया, क्या आया यहां से, हाँ अच्छा यहां पर भी देखो आर टू द पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर है। ठीक है, यहां से r की पावर क्या आएगी, तो ये इस पहले वाली के साथ प्लस हो जाएगी क्योंकि बेस तो सेम ही है, q माइनस वन इंटू आर माइनस पी। ठीक है, इंटू प्लस में आगे भी जो r की पावर है वो भी ऐड हो जाएगी, r की सारी पावर क्या हो जाएंगी r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। यहां से देखो q से q कट हो गया
आर से आर कट हो गया, पी से पी कट हो गया, ए की जो पावर बचेगी वो होगी जीरो, ए की जो पावर बचेगी वो क्या होगी जीरो। यहां से आर की जो पावर आएगी, देखो यहां से क्या आएगी, यहां से आएगी पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। आगे से जो पावर आएगी वो क्या होगी, आर क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू। देख रहे हो ऐसे, अब ये पी क्यू है और ये माइनस पी क्यू है, कट हो गया, ठीक है, हो गया कल्याणी, ठीक है। ये पी आर है और इधर पॉजिटिव पी आर है, इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, इधर प्लस आर है माइनस आर है, इधर आर क्यू है, इधर क्यू आर है, और या प्लस पी है और या माइनस पी है। दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर जीरो, आर टू द पावर जीरो, और समथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है, वन, तो ये वन के इक्वल आ गया, समझ आया। तो ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ये किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल, ठीक है। चले आगे, सरन्या हो गया, नेक्स्ट द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपीआर ए एंड बी, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 23rd क्वेश्चन नंबर 23rd, क्या कह रहा है भैया, द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी, फर्स्ट टर्म क्या है, ए के इक्वल है, nth टर्म किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, nth टर्म का फॉर्मूला बताओ भाई, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू बी, ठीक है। करना क्या है हमें, P इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, और हमें प्रूव करना है P किसके इक्वल है, ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री टिल कहां तक, ए एन तक, ये दिया हुआ है, और प्रूव क्या करना है, P स्केयर इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर एन, ये प्रूव करना है क्या, चेक करो, पी स्केयर इज इक्वल टू ए बी टू द पावर एन, ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे, देखो बच्चों P दिया हुआ है हमें, दिया है ना, दिस इज, अच्छा बताओ A, A तो A ही रहेगा, A2 क्या हो जाएगा, ए आर, ए थ्री ए आर स्क्वायर डैश डैश डैश, ए एन को क्या लिखोगे, ठीक है, क्या होगा, ए ए आर स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखो जरा, हर जगह पर एक ए है और ये कितनी टर्म्स थी, एन टर्म्स थी, हर एक के साथ एक ए आया तो ए कितनी बार आ गया, एन टाइम, और एन टाइम ए मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन, आर टू द पावर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर टिल कहां तक, एन माइनस वन तक। देखो क्यों किया मैंने ऐसा, कौन बताएगा, आर की पावर एक जगह वन है, देखो ए तो सारे क्या है, मल्टीप्लाई में है भाई, ए सारे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स, क्योंकि एन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन था, हर एक से एक ए आएगा तो एन टाइम ए आ जाएगा, कितनी बार, एन टाइम, अच्छा, और यहां से जैसे क्या आएगा, आर टू द पावर वन, फिर यहां से क्या आएगा, आर स्क्वेयर, फिर आर क्यूब, फिर लास्ट में क्या आएगा, आर टू द पावर एन माइनस वन, समझ आया, एन टाइम्स अगर ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए टू द पावर एन। चलो आगे क्या हो गया भी, आर टू द पावर वन प्लस टू थ्री प्लस एन माइनस वन, ए टू द पावर एन,
आर टू द पावर वन प्लस, हाँ बताओ आर की पावर क्या होगी। अच्छा बताओ आर की पावर क्या बन जाएगी, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। लिखो साइड में, वन प्लस टू प्लस थ्री टिल कहां तक, एन तक, एन तक के नंबर्स का सम एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। ठीक है बच्चों, एन तक के नंबर्स का सम क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। तो अगर एन माइनस वन तक के नंबर होंगे तो उनका सम क्या होगा भाई, एन के जगह क्या रिप्लेस कर दो, एन के जगह रिप्लेस कर दो एन इंटू एन माइनस वन बाई, एन के जगह एन माइनस वन डाल दो तो यहां हो जाएगा एन माइनस वन। ठीक है, इंटू में एन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, इससे ये कट हो जाएगा तो आएगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये आ गया। ठीक है, अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, अति सुंदर। प्रूव क्या करना है हमें, ये तो पी की वैल्यू आई है, पी स्क्वेयर क्या हो जाएगा भाई, स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड तो इन सभी का स्क्वेयर हो जाएगा, इसका भी स्क्वेयर हो जाएगा और इसका भी स्क्वेयर हो जाएगा। ए टू द पावर एन का स्क्वेयर क्या होगा, ए की पावर टू एन, इन टू इसका स्क्वेयर क्या होगा, आर की पावर, आर की पावर कितनी, एन इंटू एन माइनस वन। ठीक है, एन इंटू एन माइनस वन, इसको क्या लिखेंगे भाई, देखो जरा, ए की पावर एन इंटू ए टू द पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं, ए टू द पावर टू एन को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, वापस वही आ जाएगा। इधर क्या है, आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हो, देखो इस ए टू द पावर एन को तो ऐसे ही रहने दो, और ये जो है इसको देखो a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, और इस पूरे की पावर लिख दो n, क्यों भला, ये जो पावर है ये हमने पूरे के होल पावर लगा दी, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की तो पावर वापस n आएगी और r की पावर n इंटू एन माइनस वन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और देखो ध्यान से, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो ये आ गया ए एन इंटू बी, ये बी के इक्वल हो गया, ये होल टर्म किसके इक्वल हो गई, बी के इक्वल, और ऊपर पावर क्या है एन, तो ये बन गया बी टू द पावर एन। तो पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर एन, यही हमें प्रूव करना था, जो ए एन बी एन है उसको इकट्ठा अप्लाई कर दिया। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट अगला क्या है, 24th, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन टू टू एन प्लस वन इज दिस। देखो भाई, शो दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, जीपी की एन टर्म्स, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, ठीक है, शो दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, एक जीपी है ठीक है, और उसमें कितनी टर्म्स हैं, ए वन ए टू ए थ्री टिल कहां तक, ए एन, देन ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू टिल कहां तक, ए टू एन। ठीक है, ये टर्म्स हैं, अच्छा समझे, अब इसमें क्या है, एन टर्म्स का सम, एन टर्म्स का सम, इसको हम एस एन कह देते हैं, और अगली एन टर्म्स का सम यहां से लेकर, अच्छा एक बात बताओ, टोटल टू एन टर्म्स है ना, टोटल कितनी टर्म्स हैं, टू एन, पहले फर्स्ट जो मैंने एक ब्रैकेट टाइप लगाया हुआ है यहां तक एन है, तो आगे वाले ब्रैकेट में कितनी टर्म बची है, टोटल टू एन है, टोटल टू एन है, फर्स्ट पार्ट में एन है तो आगे वाले पार्ट में भी कितनी बचेंगी, एन, समझे या नहीं समझे, ओके okay।
अच्छा, ये जो पहली एन टर्म्स हैं इनका सम दिया है एस एन, और इसके बाद जब यहां से स्टार्ट होती हैं तो इनका सम मान लेते हैं एस एन डैश। ठीक है, एस एन अपॉन एस एन डैश हमें निकालना है। क्या निकालना है भाई? सो दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स टू द सम ऑफ एन प्लस वन से दिस। ये एन प्लस वन टर्म है ना, यहां से कहां तक, ए टू एन तक, इन सारी टर्म्स का सम, उसको जिसको हमने क्या लिख दिया, एस एन डैश, दिस इज इक्वल टू 1/r^n। यही प्रूव करना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो। मान लो बच्चों मेरे पास एक जीपी है, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ठीक है, ये पहली तीन टर्म्स हैं। अगर मैं इनका सम निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। अच्छा, अगर ये पहली तीनों टर्म मैं छोड़ देता हूं, तो आगे जो सीक्वेंस बचेगी 16, 32, 64, क्या वो जीपी है? अगर मान लो मैं पहली तीन टर्म हटा देता हूं यहां से, तो आगे जो तीन टर्म बचेंगी 16, 32, 64, क्या वो जीपी है? कॉमन रेशियो निकाल के देख लो, कॉमन रेशियो सेम आता है तो जीपी है, और वो तो आ ही रहा है। 32/16 करेंगे क्या आएगा, 2। 64/32 करेंगे तो क्या आएगा, 2। ठीक है, आपने क्या खास बात देखी? पहले इस जीपी का शुरू में कितना कॉमन रेशियो क्या था, 2, और फर्स्ट टर्म क्या थी, 2। समझ आया? आपने पहली तीन टर्म छोड़ दी, अब कॉमन रेशियो कितना है बची हुई टर्म्स का, फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 16। समझ गए? जीपी तो तब भी रहेगी, तो जीपी में शुरू की कुछ टर्म छोड़ दें, आवास की कुछ टर्म छोड़ दें, उससे जीपी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीपी तो जीपी ही रहेगी। ठीक है बच्चों? अच्छा एक बात बताओ, अब आप और कॉमन रेशियो पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, कॉमन रेशियो भी सेम ही रहेगा, बस सिर्फ फर्स्ट टर्म बदल जाएगी। ये पहली एन टर्म्स है जीपी की, इनका सम कितना होगा, एस एन कितना होगा, ये हमें प्रूव करना है ना, आर ये तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, एस एन कितना होगा, एस एन अपॉन एस एन डैश की बात कर रहे हैं हम, एस एन होगा फर्स्ट एन टर्म्स का सम। अगर ये जीपी है और इसका कॉमन रेशियो कितना है, आर, तो क्या बनेगा इसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये तो बताया नहीं कि आर वन से बड़ा है या छोटा, जब वन से नहीं बताया होता तो यही लगाते हैं। नीचे क्या है भाई बताओ जरा, एस एन डैश, एस एन डैश। अब एस एन डैश क्या है, अगले वाली एन टर्म्स का सम। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगले वाली एन टर्म्स में क्या चेंज होगा, कॉमन रेशियो तो सेम ही रहेगा, और सिर्फ चेंज होगा तो सिर्फ फर्स्ट टर्म चेंज होगी। अच्छा, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहां से यहां तक, वो तो एन ही है, क्योंकि टोटल 2n थी, n हमने बिगनिंग की छोड़ दी है, आगे वाली ले रहे हैं तो कितनी बचेंगी, n बचेंगी। ठीक है, तो आगे वाली टर्म्स भी क्या है, n ही है, कॉमन रेशियो भी सेम है, बट बदल गया तो कौन बदल गया, फर्स्ट टर्म बदल गया, तो कौन बदल गया भाई, फर्स्ट टर्म। अच्छा, अगर हम इस जीपी को पहले लिखते तो ए एन प्लस वन क्या होता, ए आर टू द पावर एन, फिर ए आर टू द पावर एन प्लस वन, और कहां तक जाता ये, ए आर टू द पावर 2n-1 तक, है ना। अगर हम इस जीपी को लिखते तो ये ऐसे ही होती, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होनी थी, अब फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, कॉमन रेशियो सेम ही रहेगा। तो अगर हम इस जीपी की एन टर्म्स का सम निकालते हैं तो वो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब ए इंटू आर टू द पावर एन इंटू कॉमन रेशियो की पावर कितनी, जितनी टर्म्स हैं, और टर्म्स तो एन है, माइनस वन अपॉन में क्या है, आर माइनस वन। इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, ए से ए कट हो जाएगा, क्या बचेगा, वन अपॉन आर टू द पावर एन बचेगा। ठीक है, हाँ यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा, 20, एबीसी आर इन जीपी, एबीसीडी आर इन जीपी, 25th था ये, ए बी सी डी आर इन जीपी, ये जीपी में है, ए बी सी डी क्या है, जीपी में है। ठीक है, अच्छा अगर ए बी सी डी जीपी में है तो एक बात तो भी क्लियर है,
बी इज इक्वल टू कुछ ना कुछ कॉमन रेशियो तो होगा ही, तो कॉमन रेशियो को हम आर ही अज्यूम कर लेते हैं, तो बी किसके इक्वल होगा, ए आर के इक्वल होगा, सी किसके इक्वल होगा, ए आर स्क्वेयर के इक्वल होगा, डी किसके इक्वल होगा, ए आर क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर, डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, b इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर, डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब है कि नहीं है? क्या दीदी कैपिटल क्यों लेंगे? देखो भाई अगर ये gp है तो b बाई ए किसके इक्वल होना चाहिए, कॉमन रेशियो के बराबर, तो b किसके इक्वल आ गया, ए आर के इक्वल, ठीक है। फिर c बाई बी भी किसके इक्वल होगा, r के बराबर, तो c किसके इक्वल आएगा, बी आर के इक्वल, और बी आर क्या है, ए आर इंटू आर, सो ये ए आर स्क्वेयर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं, यस पक्का होगा, होगा कि नहीं होगा, ओहो ओहो यस रिकॉर्ड हुआ। चलो चलो क्या आया बच्चों यहां से बताओ, यहां से क्या आया, ये सब आ गया। करना क्या है, करना है बच्चों ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू ए बी सी, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस। बताओ जो प्रूव करना है टीपीटी है, बताना क्या है उसमें, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इंटू प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का हो, नहीं 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 सी डी, सी डी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या करेंगे। चलो पहले एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एल एच एस क्या है बच्चों, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू, ए की वैल्यू में तो हम कुछ कर नहीं सकते, ए तो ए ही रहेगा ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीस ए आर का होल स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वेयर का पावर कितना स्क्वेयर, ये तो हमने ये लिखा है, इंटू बी स्क्वेयर, बताओ बी स्क्वेयर क्या है, बी स्क्वेयर ए आर होल स्क्वेयर, सी स्क्वेयर क्या है, ए आर स्क्वेयर का, डी स्क्वेयर क्या है, ए आर क्यूब का होल स्क्वेयर, ये है। ओके जी चलिए चलते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वेयर, ये क्या होगा बच्चों, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ये क्या होगा, ए स्क्वेयर आर फोर और इसका होल स्क्वेयर, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनटू इनटू बताओ जरा, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ए स्क्वेयर आर फोर, ए स्क्वेयर आर सिक्स, समझ आया, ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, वन प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर फोर, वन प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर फोर, यहां से ए स्क्वेयर कॉमन ले लो, आर स्क्वेयर भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, वन प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर फोर, ठीक है। तो बच्चों क्या हो गया, ये ए फोर आर स्क्वेयर, वन प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर टू द पावर फोर, दोनों ही जगह होगा, ये दो ब्रैकेट है ना इसके, क्या बन जाएगा, होल स्क्वेयर हो जाएगा, ये हमारी एल एच एस आ गई। अब देखें जरा आर एच एस को क्या आती है, आर एच एस क्या है बच्चों हमारी, जरा देखो, थोड़ी सी हमें जगह चाहिए, आर एच एस बताओ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ए का हम कुछ नहीं कर सकते, ए को ए ही रखना है, बी को लिखेंगे ए आर, बी को क्या लिखेंगे,
बी को लिखेंगे ए आर, सी को ए आर स्क्वेयर लिखेंगे, सी को क्या लिखेंगे ए आर, सी को लिखेंगे ए आर स्क्वेयर और डी को ए आर क्यूब, समझ आया? और इसका क्या है होल स्क्वेयर, ठीक है। बी को ए आर रखेंगे, सी को ए आर स्क्वेयर रखेंगे, डी को ए आर क्यूब रखेंगे, रखते चले जाएंगे तो क्या आएगा ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर आर, ए स्क्वेयर आर क्यूब, ए स्क्वेयर आर क्यूब, ए स्क्वेयर आर फाइव, इसका क्या है होल स्क्वेयर। देखो बच्चों, ए स्क्वेयर और आर को यहां से कॉमन लो, ए स्क्वेयर और आर को अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा हमारे पास वन प्लस, यहां से ए स्क्वेयर और आर कॉमन आ गया आर स्क्वेयर बचेगा, यहां से ए स्क्वेयर आर कॉमन आ गया आर फोर बचेगा होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, देखो जरा ए स्क्वेयर आर, ये क्या हो जाए, अच्छा ये होल स्क्वेयर पूरे के ऊपर है ना भाई। ये पूरे के ऊपर है, हाँ बेटे ए स्क्वेयर का भी होल स्क्वेयर है, क्या बन जाएगा ए की पावर फोर आर स्क्वेयर, वन प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर फोर का होल स्क्वेयर, ठीक है समझ आया। ये आ गया, बताओ दोनों साइड बराबर आई कि नहीं आई, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। थोड़ा सा और सिखा देता हूं, सिखा दूं कि नहीं बोलो, चलो आओ फिर, चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ नीचे चलता हूँ घूमने, और क्या मुझे क्या डर है। देखो भाई मान लो ये तीन टर्म ए बी सी क्या है जीपी में है, ये थ्री टर्म्स क्या है जीपी में है, तो स्क्वेयर ऑफ मिडल टर्म क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ये तो तुम जानते हो ना, स्क्वेयर ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है बच्चों। अगर ये तीन टर्म जीपी में है तो जी को कहा जाता है बी वाले, बीच वाले को कहा जाएगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी, बीच वाले को क्या कहा जाएगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी, क्लियर है ये चीज, ठीक है। क्या कहा जाएगा इसको ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए, ये तो हो गया सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की बात। अगर मैं इसको जी से मान लो ए और बी दो नंबर ले लूं और जी इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन कहूं तो उसका मतलब भी यही है कि ये तीनों नंबर जीपी में है, तो जी को तीनों नंबर अगर जीपी में है तो जी को कैपिटल जी को हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे, तो जी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा ए बी के इक्वल होगा जी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, या हम यूं कहें जी इज इक्वल टू क्या होगा रूट ए बी, ठीक है राइट। तो दो नंबर अगर ए और बी है तो उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अंडर रूट ए बी, राइट। अगर मैं आपको दो नंबर दे दूं, मैं आपको दो नंबर दे दूं क्या 3 and 12, और नहीं बेटा अगर मैंने ए और बी ले लिए जी ज्योमेट्रिक मीन कर दिया, ठीक है। अगर मैंने दो नंबर आपको 3 और 12 दे दिए तो इनके बीच में जीएम कितना आएगा, जी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 into 12, है ना, कितना होगा भाई 36, क्या आ जाएगा 6, है ना। प्लस माइनस दोनों 6 को भी ले सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन और दिस, पर अगर जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी लेते हैं ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 6, ठीक है चले आगे। तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, उसको वो लेते हैं ना रूट ए बी लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन को, तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है आगे चले भाई। अगर एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं हम, मान लो हमारे पास एक जीपी है, सॉरी दो नंबर है ए और बी, और इनके बीच में एक तो जैसे मैंने आपको भी बताया, मान लो दो नंबर आपका 3 और 12 और आपको इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो जी की वैल्यू कितनी होगी रूट ऑफ 3 into 12 यानी कि 6। अगर आपको तो एक ही एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो आप उनके बीच में क्या डाल देंगे, वो नंबर क्या आएगा 6। अगर आपको दो नंबर ए और बी और इनके बीच में एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं जैसे कि जी1,
जैसे कि g1, g2, g3, gn। n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, n, g1, g2, g3, g4, g, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, इनको ज्योमेट्रिक मीन आप तभी कह सकते हो जब ये होल सीक्वेंस क्या बने, जीपी, तभी आप इन नंबर्स को क्या कहोगे, ज्योमेट्रिक मीन। अगर ये होल सीक्वेंस जीपी नहीं बनती है तो फिर आप इनको ज्योमेट्रिक मीन नहीं कहेंगे। हाँ बताओ, नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये होल ज्योमेट्रिक जी1 जी2 जी3 जीएन के ज्योमेट्रिक मीन होने के लिए ये होल सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, जीपी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जीपी होनी चाहिए। अच्छा जी, हो गई जीपी। अगर ये जीपी है और ये बीच के नंबर ज्योमेट्रिक मीन है तो फिर इसका कुछ कॉमन रेशियो भी होगा। अगर ये जीपी है तो कुछ कॉमन रेशियो भी होगा। वो कॉमन रेशियो क्या होगा, वो तो वही होगा जो होता है। तो कैसे पता लगाएंगे वो कॉमन रेशियो क्या होगा, बोलो। ये एन नंबर है और ये दो नंबर और एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो टोटल कितने बन गए, ये यहां से यहां तक एन प्लस टू। ये एन थे और दो ये और हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने बन गए, तो ये इस जीपी, ये पूरी सीक्वेंस एक जीपी है ना, तो ये कौन सी टर्म है, एन प्लस टू एच टर्म है। कौन सी टर्म है, एन प्लस टू एच टर्म, किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ठीक है। एन प्लस टू एच का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, नहीं नहीं एन प्लस टू माइनस वन, एन प्लस टू माइनस वन यानी कि एन प्लस वन बनेगा। इसका फॉर्मूला हो गया दिस, दिस इज इक्वल टू बी। अरे ये तो आ गया, अब क्या करें, देखो देखो जरा देखो, आर टू द पावर एन प्लस वन की वैल्यू क्या आ गई, बी बाई ए। बोलो बोलो आया कि नहीं आया। अगर यहां से आर फाइंड करना है तो क्या होगा, बी बाई ए टू द पावर कितनी, क्या होगी इसकी पावर, वन बाई एन प्लस वन। तो इस जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा वो हमें मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक जीपी है आपके पास, दो नंबर है आपके पास, सॉरी 381, ठीक है, आपके पास दो नंबर है 381। इनके बीच में आपको दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, g1 एंड g2। इनके बीच में आपको क्या इंसर्ट करने हैं, टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, g1 एंड g2 इंसर्ट करने हैं। तो बताओ कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, एन क्या हो गया, टू, एन क्या हो गया, टू, एन क्या हो गया, टू, ठीक है। आर कैसे निकालेंगे, आर निकालेंगे बी बाई ए, बी कितना है थ्री, सॉरी ए कितना है, ए थ्री है, बी कितना है 81। आर कैसे निकलेगा, वी बाई ए यानी कि 81 बाई थ्री, इसकी पावर क्या होगी, 1 बाई एन प्लस वन। एन क्या होता है, जितने मीन इंसर्ट किए हैं, मीन हमने दो इंसर्ट किए हैं, प्लस में रखेंगे 1, ये कट हो गया और आ गया 27। यस, नंबर हमने दो ही इंसर्ट किए हैं, नंबर हमने दो मीन इंसर्ट किए हैं तो एन टू होगा। नंबर ऑफ टर्म्स तो टोटल होगा, चार होंगे, ठीक है, नहीं वो एन प्लस टू होगा, ठीक है भाई। 27 की पावर 1/3, तो ये कितना आएगा, 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, अब ये हो जाएगा 3। बोलो बोलो आया कि नहीं, ठीक है। आर निकल गया ना, आर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो बच्चों, आर ये निकला ना बी बाई ए वाले फार्मूले से, वो वाला फार्मूला लगाया, आर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई अब तुमने दो मीन इंसर्ट किए ना, दो मीन इंसर्ट किए तो ये 1 से लेकर कितनी होगी, 4 टर्म हो गई, तो फोर्थ टर्म क्या है, 81, A4 इज इक्वल टू 81। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, ARQ इज इक्वल टू 81, A की वैल्यू कितनी है 3, तो R³ कितना हो गया 81/3, R³ क्या आ गया 27, दैट इज 3 to the power 3, तो यहां से R आ गया 3। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आया कि नहीं। तो आप ऐसे भी R निकाल सकते हो, ऐसे भी R निकाल सकते हो। अब एक बात बताओ,
अब एक बात और बताओ मुझे, ये इस जीपी की कौन सी टर्म है? सेकेंड। ये कौन सी टर्म है? थर्ड। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है वो जीपी की कौन सी टर्म है? सेकेंड। और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला ए आर। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन जीपी की थर्ड टर्म है तो उसका फॉर्मूला ए आर स्क्वेयर। जी थ्री का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर क्यूब। जी एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर टू द पावर एन। जी एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर टू द पावर एन। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको याद करोगे? ठीक है, अगर एक क्वेश्चन हम अगर और करें तो क्या हो सकता है? देखो मैंने आपको बताया कि आर निकालने का फॉर्मूला nth ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, इसके पावर के ये कितना होता है भाई? 1/(n+1) यही है ना इसका फॉर्मूला आर निकालने का। और जी एन का फॉर्मूला क्या है भाई? ए आर टू द पावर एन। nth ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये है। ठीक है, मान लो मैं आपको नंबर दूं 2, 32, इनके बीच में आपको तीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो एन क्या होगा? एन होगा 3। आर कैसे निकलेगा? बी बाई ए रेज टू पावर 1/(3+1) n+1। तो आर क्या आ गया? 32/2 रेज टू पावर 1/(3+1) 16^1/4। ये हो गया 2 की पावर और इसकी पावर 1/4, तो बन गया क्या? 2। ठीक है, आर आ गया 2। अच्छा अच्छा जी, जीवन क्या होगा? बोलो जीवन क्या होगा? जीवन होगा ए आर। जी टू होगा ए आर स्क्वेयर। जी थ्री क्या होगा? ए आर क्यूब। ए व्हाट इज ए? 2। आर कितना? 2, तो 4 आ गया। दिस इज 2 × 2² कितना आ गया? 4 × 2 = 8। दिस इज 2 × 2³ कितना आ गया? 16। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, यहां तक करके आएंगे।